वो पर और अक्षर को, जैसे पर और अक्षर को ऑर्डर में मैंने क और ख दियो है, तब जहां क है वहां पर है और जहां ख है वहां अक्षर है। ये देखोगे तो दिखलाई देगो, परम ब्रह्म तु कृष्णो ही। ये अपनो सेव्य को पर रूप है, अपनो जो सेवा में सेव्य है वह को पर रूप क्या है? कृष्ण। कृष्ण कैसो? कृष्ण परब्रह्म रूप कृष्ण। परब्रह्म कैसो? परब्रह्म कृष्ण रूप परब्रह्म। ऐसे उलट पुलट के सेकनी हो या रोटी को, एक तरफा सेकोगे तो कच्ची रह जाएगी। माने कृष्ण कैसो? कृष्ण परब्रह्म रूप कृष्ण। परब्रह्म कैसो? परब्रह्म कृष्ण रूप परब्रह्म। ऐसे दोनों बाजू सेको तब तुमको सेवको रूप स्पष्ट होएगा। एक तरफा सेकोगे तो एक तरफा जल जाएगी और दूसरे तरफ कच्ची रह जाएगी। दोनों तरफ सेकते रहोगे फटाफट फटाफट तो बराबर सेक के स्वादिष्ट बनेगी। सच्चिदानंदकम बृहत। और बृहत माने अक्षर जो है वो सच्चिदानंदक है। सच्चिदानंदक कहके वाको अक्षर रूप बतायो। और अब देखो ध्यान से तुमको समझ में आएगा, द्विरूपम तद्धि। वो द्विरूप है। अब वो द्विरूप है मतलब वो कौन? मां मैंने ख लगा दियो है। ख लगा दियो तो बिल्कुल साफ तुमको समझ में आना चाहिए कि पर को द्विरूप यहां नहीं बता रहे हैं, अक्षर के द्विरूपता को अब समझा रहे हैं कि वो अक्षर द्विरूप है। एक रूप वाको कैसो? सर्वम स्यात्। एक रूप वाको दूसरा रूप वाको कैसो? तस्मात विलक्षणम। ये वाको दूसरा रूप। ये टीका बिना पंक्ति को देखने की एक सिफत कैसे होवे, जैसो अपने को सिनॉप्सिस स्पष्ट होवे, वो समझने को यहां प्रयास करो। तो ये बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है। याको विवेचन में कल भी आपको बतला चुके हो कि ऐसो यदि जगत ब्रह्म रूप नहीं है तो ब्रह्म आपको अवेलेबल ही नहीं हो जाएगा, क्योंकि परब्रह्म कृष्ण आप सेवा सेविक सेव्य तरीके आप जगत में लाओगे कहां से? यदि आपको भूले चुके वार्निंग दे दी कि ब्रह्म संबंध देते ही, जैसे गिरधर जी के साथ हो तो जाकु ब्रह्म संबंध देते तुरंत नित्य लीला में पहुंच जाते हो। आज ऐसे कह दे कोई महाराज कि ब्रह्म संबंध तो देने तैयार हूं, पर लेने के साथ ही फिर देखो कितने ब्रह्म संबंध लेने आवे। सबको कहेंगे भाई नित्य लीला नहीं जो इतनी हमारे अनित्य लीला सारी। अपने को फिराक गोरखपुरी की तरह से और दूसरा और ज्ञान प्रकट हो जाएगा कि गुंचे तेरी जिंदगी पर रश्क होता है, तू एक तबस्सुम के लिए खेलता है। गुंचे ने कहा हंसकर है बाबा, एक तबस्सुम किसे मिलता है? नहीं तथी जो इतनी नित्य लीला, एक वक्त अहियां अनित्य रह चु, 20-25-30-50 जे वरस काढ़वा से थे अहियां काढ़वा दो, नित्य लीला में नहीं जाओ। भाई साहब केम ब्रह्म संबंध आपो छो? कोई जतो नहीं नित्य लीला में तेती बता ब्रह्म संबंध ले ले छे। गिरधर जी को सामर्थ्य प्रकट हुआ तब पता चले कि कितना आदमी ब्रह्म संबंध लेने तैयार है। है नहीं हम लोगों में वो सामर्थ्य कि देते ही ब्रह्म संबंध नित्य लीला में पहुंचा सके। एकाध बालक पहुंचावे ऐसी 5-10-25 की प्रसिद्धि हो जाए, जाहिरात आ जाए छापा में कि पहला बालक थी ब्रह्म संबंध लीधो नहीं नित्य लीला प्रवेश। फिर देखो गली में नहीं भटकेगो कोई, एक गली में नहीं जता ब्रह्म संबंध आपी दे पंचायत उभी थे। कोई को नित्य लीला चाहिए नहीं है, सबको अनित्य लीला चाहिए। नित्य लीला कौन को चाहिए? यहां चाहिए कोई को? बात ध्यान समझो तो सबको अनित्य लीला चाहिए। तो ये वह अनित्य लीला जब चाहिए है, वह अनित्य लीला में पर ब्रह्म लानो का सु। यदि ये सारो जगत ब्रह्मात्मक नहीं होए तो या अनित्य लीला में पर ब्रह्म कृष्ण को कहां सु लानो? बेसिक प्रॉब्लम समझो जो या के सारे में रही भाई समस्या है। वह बात को समझो कि क्यों महाप्रभु जी अपन कह रहे हैं निर्गुण नो निर्देश अटपटो रसनाशी पेरे कहिए, रूप रंग वपु एक पदार्थ एको त्या न लइए, ते तकी पुरुषोत्तम अलगा लीला अचल विहारी। तो जब ते तकी पुरुषोत्तम अलगा तो ई पुरुषोत्तम नहीं है क्या थी लावा? ई आवशे तो तमने नित्य लीला में बोलावी लेजे, तो पची तो सेवा करवी गमशे ज नहीं कोई ने। एटले अहियां आज जगत छे अनित्य जगत, यहां में नित्य लीला विहारी पुरुषोत्तम को अपने कांसु पाने वा पाने की दृष्टि महाप्रभु जी यहां में समझा रहे हैं कि द्विरूपम तद्धि सर्वम स्यात्। जो कुछ है जगत में नाम रूप कर्म के साथ दिखलाई दे तो
वो अक्षर ब्रह्म ही है और वो अक्षर ब्रह्म तो परम ब्रह्म को धाम है। यदि एक वक्त तुम्हारी या बात पे दृष्टि गई कि ये अक्षर ब्रह्म परम ब्रह्म को धाम है, या में ही वो पुरुषोत्तम विराज रहो है, तो जा वक्त तुम्हारे को या को अक्षर ब्रह्म के रूप में स्वीकारने को मादा जग्यो, जगत के जो नाम रूप कर्म है उनको अक्षर ब्रह्म के रूप में स्वीकारने को तुम्हारे भीतर मादा जग्यो, तो तुमको अपने आप ये बात समझ आ जाएगी कि या में पुरुषोत्तम तो रह ही रहे हो, क्योंकि अक्षर ब्रह्म ही तो पुरुषोत्तम को धाम है। जगत यदि अक्षरात्मक है, क्योंकि जगत के नाम रूप कर्म सु यदि अक्षर ब्रह्म प्रकट भयो है, तो जगत के जो नाम रूप कर्म है, जैसे नाम मने घड़ा, नाम रूप मने वो घड़ा, और घड़ा को जो कर्म मने मामे पानी भरो जा सके, गाय मने एक सींग वाली गाय पूछ वाली वो एक नाम, वाको एक गाय ये नाम, और वाको जो कर्म जो भी कुछ है, तो ये जो नाम रूप कर्म जो भी कुछ है वह रूप में अक्षर ब्रह्म प्रकट भयो है, ये बात तुमको समझ आएगी। तो गाय भले जिए चाहे गाय भले मरे, घड़ा भले टूटे घड़ा भले साबित रहे तुम्हारे घर में, पर या घड़ा में कोई एक अक्षरात्मक पहलू भी है, ये तुमको समझ में आएगो। इन नाम रूपन के तहत एक अक्षरात्मक पहलू है। कैसो कि जैसे हीरो हीरोइन के मरने सु एक्टर या एक्ट्रेस नहीं मरते होवे है, हीरो मर जाए है, हीरोइन मर जाए, विलन मर जाए है, पर वसु जो एक्टर एक्ट्रेस है वहां के, जैसे रामलीला में रावण मर गयो और वो जो कौन है त्रिवेदी, त्रिवेदी ना हाँ वो त्रिवेदी तो जिंदा है ना, रावण मर गयो त्रिवेदी थोड़ी चले गयो। तो ऐसे जो विलन के मर जाने सु एक्टर नहीं मर जाए है, तो ये नाम रूप कर्म के जो रोल हैं वो अदा करने वालों एक्टर यदि जिंदा है अक्षर ब्रह्म, तो तुम्हारे को ये सिफत देखने की आएगी कि कृष्ण अब तुमको दुर्लभ नहीं है। क्यों कि कृष्ण को धाम कहां है, अक्षर ब्रह्म जो है वो कृष्ण को धाम है। कृष्ण कहां रहे है, अक्षर में रहे है, अक्षर में कृष्ण रहे है, और जगत के नाम रूप कर्म यदि अक्षरात्मक हैं तो कृष्ण वहां रह ही रहे है। कृष्ण कभी तुमको नॉन अवेलेबल है नहीं, ये बात ध्यान से समझो। कृष्ण तुम्हारे सामने कभी अविद्यमान हो नहीं सके है, क्योंकि कृष्ण को धाम अक्षर है और अक्षरात्मक ये जगत है। द्विरूपम तद्धि सर्वम स्यात्। और तुम ऐसे मत मान लीजो कि तुम्हारे यहां जो नाम रूप कर्म प्रकट भय हैं अक्षर उतनो ही है, अक्षर उतनो ही नहीं है, क्योंकि अक्षर जो है वो नाम रूपात्मना प्रकट भयो है, नाम रूप अक्षरात्मना प्रकट नहीं भय है। ऐसु अक्षर को जो सर्कल है वो बहुत बड़ो है, नाम रूप वा के भीतर है और वह अक्षर में परब्रह्म रह रहे है, तो वह अक्षर में परब्रह्म रहते भयो होने के कारण जो यहाँ है नहीं चौक नहीं, तो मैं ड्रॉ करके बता देता हूं तुमको कहीं, पर बात समझ लो कि अक्षर जो है वो बहुत बड़ो है, इतो बड़ो वहां में कोई नाम रूप इतने प्रकट भय और वहां ही पुरुषोत्तम भी रह रहे हो वह अक्षर में, तो जब जो नाम रूप अक्षर में है इतने बड़े अक्षर में वहां में पुरुषोत्तम रह रहे हो है, तो नाम रूप जो है वो अक्षरात्मक है, अक्षर नाम रूपात्मक नहीं है, क्योंकि या एरिया में अक्षर नाम रूपात्मक है, या एरिया में जो नाम रूप नहीं है वैसा भी अक्षर है, अक्षर तो ये है, तो यहां नित्य लीलात्मक अक्षर है। आयो ख्याल में, यहां नित्य लीलात्मक अक्षर है, यहां अनित्य लीलात्मक अक्षर है, पर अक्षर में ये दोनों चीज मौजूद हैं, कृष्ण भी और नाम रूप कर्म भी। तो कोई भी नाम रूप को जा वक्त तुम अक्षर के रूप में पहचानना शुरू करोगे तो कृष्ण तुमको विद्यमान उपलब्ध हो जाएगा। जब नाम रूप कर्म को तुमने अक्षर के तरीके नहीं अनित्य वस्तु तरीके पहचानने शुरू किए, माने हीरो मरने सु हीरोइन के मरने से तुमने जा वक्त एक्टर या एक्ट्रेस के मरने की बुद्धि पैदा करी, तब तुमको लफड़ा पैदा हो रहे है। पर एक्टर या एक्ट्रेस हीरो के पैदा होने से या हीरो के मरने से मर तो नहीं हो, नाम रूप कर्म जो है वो सब हीरो हीरोइन जैसे है, अक्षर जो है वो मुख्य एक्टर है और कृष्ण जो है समझ लो कि वह डायरेक्टर है, वो एक्टर के साथ मौजूद है।
हर वक्त एक्टर के भीतर मौजूद है डायरेक्शन करने के लिए, तो वो जो डायरेक्शन करने के लिए मौजूद है, यदि तुमको एक्टर मिल गए तो तुमको घबराने की जरूरत नहीं है कि डायरेक्टर कहां है, क्योंकि डायरेक्टर नहीं हो तो एक्टर आ तो कहां सु, एक्टर आ तो कहां सु, डायरेक्टर के बिना तो एक्टर आ नहीं सके ना। तो ये डायरेक्टर है परब्रह्म, अक्षर ब्रह्म जो है वो एक्टर है, और जो भी कुछ नाम रूप कर्म अपने को दिखाई दे रहे हैं, रमेश भाई के, चिमन भाई के, श्यामू भाई के और ढिकड़े भाई के, पूछो, ये सब जो है वो एक्टर ही एक्टर हैं सिर्फ। माने पुरुष होने को दावा करते हों, पशु होने को दावा करते हों, पक्षी होने को दावा करते हों, जड़ होने को दावा करते हों, चेतन होने को दावा करते हों, तो पुरुषोत्तम होने को दावा है, सब एक्टर। या ये जो हीरो हीरोइन है ये एक्टर नहीं है, एक्टर जो है वो तो अक्षर है, और डायरेक्टर वाको परम ब्रह्मतु कृष्णो ही वो है। या सेटअप में आपको समझोगे तो तुमको समझ में आ जाएगी कि जब अपन ने ये बात समझी कि द्विरूपम तद्धि सर्वम स्यात् एकम तस्माद् विलक्षणम, एक वासु विलक्षण रूप भी अक्षर ब्रह्म को है, तो तुमको अब कोई चीज अनुपलब्ध नहीं रह गई। सेवा करने में कोई जात की सेव्य की अनुपलब्धि को तुमको बोझ यानी संशय या अनिश्चय तुमको काटेगो नहीं भीतर सु, यदि या रहस्य को तुम समझ गए कि हम सेवा तो कर रहे हैं पर कृष्ण कहां है, कृष्ण कहां है, कृष्ण है कहां। जैसे क्राइस्ट को पूछी थी ना कि भाई तुम भगवान के राज्य की बात कर रहे हो, भगवान के राज्य की, भगवान है कहां, भगवान का राज्य है कहां, तो क्राइस्ट ने कितना खूबसूरत ब्लंट उत्तर वक्त दे दियो कि द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू या अमंग यू। तो ये बात ध्यान समझो कि ये भगवान को जो लीला है वो अपने भीतर बाहर चारों ओर है। काय के कारण है, क्योंकि जहां अक्षर है वहीं अपनो सारो नाम रूप को खेल चल रहे है, वही अक्षर में कृष्ण जो है वो परब्रह्म तरीके विराजमान है। तो नाम रूप को खेल जहां चल रहे है वो अक्षरात्मक है, तो वह अक्षर में विराजमान पुरुषोत्तम कभी कोई को अनुपलब्ध हो नहीं सके। यदि तुम अनुपलब्ध मान रहे हो तो तुम्हारी कोई बुद्धि की क्षुद्रता है जाके कारण तुम वह को अनुपलब्ध मान रहे हो। ये बात महाप्रभु जी ने द्विरूपम तद्धि सर्वम स्यात् एकम तस्माद् विलक्षणम करके या तरीके के हकीकत में तो तीन रूप बताए, पर यों देखो तो दो रूप बताए, पर और अक्षर, और अक्षर के दो रूप, एक सर्वात्मक और एक सर्वातीत। ऐसा है ना, भोगी भाई ये पूछना चाह रहे हैं कि ब्रह्म और परब्रह्म में क्या डिफरेंस। तो ब्रह्म और परब्रह्म में ये डिफरेंस के जो मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर या मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर में डिफरेंस, प्राइम मिनिस्टर भी मिनिस्टर तो है ही ना, और जो प्राइम मिनिस्टर नहीं है वो भी मिनिस्टर है, पर उन मिनिस्टरन में ही की जो कैबिनेट है वही में ही बैठने वालों एक प्राइम मिनिस्टर है। तो यदि वाकी कुछ हैसियत अलग बतानी है तो वाके साथ प्राइम विशेषण अपने को जोड़ना पड़े। ऐसे कृष्ण भी ब्रह्म है, अक्षर भी ब्रह्म है, दोनों ब्रह्म है, और अपन भी ब्रह्म है, और ये टेबल भी ब्रह्म है, सर्वं खलु इदं ब्रह्म। पर या में यदि कृष्ण की हैसियत को कुछ अलग सु बतानी है तो पर विशेषण अपन जोड़ देंगे तो वो हैसियत अलग छट के आ जाएगी। जैसे डायरेक्टर और मैनेजिंग डायरेक्टर, तो मैनेजिंग डायरेक्टर डायरेक्टर है कि नहीं, डायरेक्टर तो है ही, पर डायरेक्टर को जो बोर्ड बैठे हो है वहां में यदि कोई की हैसियत अपने को अलग बतानी है तो एक मैनेजिंग विशेषण वहां में और जोड़ दो, बात अलग बन जाएगी, वो फिर अलग छट के आ जाएगी, भाई ये सब डायरेक्टर हैं और ये मैनेजिंग डायरेक्टर है, ये सब मिनिस्टर हैं और ये प्राइम मिनिस्टर है, ऐसे सब कछु ब्रह्म है, सर्वं खलु इदं ब्रह्म। ये पुस्तक, ये माइक, ये टेबल, ये कुर्सी, ये जूता चप्पल सब कछु ब्रह्म है,
पर सब कशु परब्रह्म नहीं कहो जाएगो, ये ब्रह्म कहो जाएगो। और कृष्ण को यदि अलग से छांट के कहना है तो आपके साथ पर विशेषण लगा दो कि भाई वो कृष्ण परम ब्रह्म तो कृष्ण हुई तो बात बन गई ना। वो डायरेक्टर के बोर्ड में आपको एक मैनेजिंग डायरेक्टर मिल गयो, मिनिस्टर की कैबिनेट में आपको एक प्राइम मिनिस्टर मिल गयो, आया ख्याल में या ढंग से, बाकी और कोई अंतर नहीं है कुछ। एग्जैक्ट ये तेने शास्त्रीय उत्तर दियो, मैंने जो उत्तर दियो तो न लौकिक उत्तर दियो तो बात एक ही एक है। जब अपन आदि दैविक कहे ना बेटा तो वही बात आ रही है बहुत। हाँ डायरेक्टर माथी मैनेजिंग डायरेक्टर था कि मैनेजिंग डायरेक्टर माथी डायरेक्टर था। हाँ ख एक अने ख बे ई तो मैं बताव्यू सर्वम स्यात, जो नाम रूप कर्म जो बन रहे है अक्षर वो अक्षर, और जो अक्षर नाम रूप कर्म नहीं बनो है नित्य लीलात्मक है वो अक्षर। नाम रूप कर्म जो है ना वो अनित्य लीला है स्टेज वाली, ख्याल में आयो? स्टेज पे जो कुछ आ रहे है वो एक्टर नहीं आ रहे है, एक बात ध्यान से समझो। स्टेज पे एक्टर आवे तो सत्यानाश नाटक को, स्टेज पे कौन आवे? हीरो आवे। स्टेज पे विलन आवे, स्टेज पे हीरोइन आवे, एक्टर एक्ट्रेस नहीं आवे। एक्टर एक्ट्रेस समझो आ गए, समझो शिवाजी को कोई रूप लियो, ऐसे माथा में जीव कुचरते शिवाजी कोई दिन आ जाए तो नाटक चलियो शिवाजी को, नाटक को सत्यानाश हो गया ना वह ढंग से। तो स्टेज पे कभी एक्टर नहीं आवे, स्टेज पे कभी एक्ट्रेस नहीं आवे, स्टेज पे हीरो आवे हीरोइन आवे, है कैरेक्टर सामे, आई ना बात ख्याल में। तो जो जो सर्वम स्याद है वो हीरो हीरोइन है कैरेक्टर है, और एकम तस्माद विलक्षणम वो एक्टर है जो अक्षर है, आयो ख्याल में? या लिए ख एक और ख दो, अब तो समझ गए। अब ये जो बात है याकूब महाप्रभु जी निर्विवाद बनाना चाह रहे हैं, क्यों? क्योंकि ये अपनी समझ है, ये सबकी समझ तो है नहीं। अब सबकी समझ ऐसी नहीं है तो अपनी समझ दूसरे की समझ से टकराएगी, और आज की तारीख में भी अपनी समझ वैष्णवन की समझ से टकरा रही है, वैष्णवन की समझ महाराजन की समझ से टकरा रही है, महाराजन की समझ और वैष्णवन की समझ महाप्रभु जी की समझ से टकरा रही है। क्योंकि अपन ने महाप्रभु जी या सारी बात को कैसे समझ रहे हैं ये समझना चाहे नहीं। बहुत सारे वैष्णव ये कहें कि भगवान तो बद्दे ठिकाने छे, एमा तमेज एवो केम आग्रह राखो छो के तमारा ठाकुर जी। एक बात ध्यान समझो, भगवान सब ठिकाने हैं, और वहां में ऐसो आग्रह क्यों रखना कि मेरे ठाकुर जी की मुकु सेवा करनी, मेरे ठाकुर जी की तुमको सेवा नहीं करनी, और तुम्हारे ठाकुर जी की तुमको सेवा करनी और तुम्हारे ठाकुर जी की मुकु सेवा नहीं करनी, ये दुराग्रह क्यों रखना? और ये दुराग्रह रखना मतलब ठाकुर जी के सर्वेश्वर होने को, ठाकुर जी के सर्वव्यापी होने के, सर्वोपादान होने को यदि अपन खंडन कर रहे हैं, ऐसी अपन यदि समझ लेना चाह रहे हैं, तो लफड़ा क्या हो रहा है? तो फिर ध्यान से समझो कि फिर कृष्ण की ही सेवा क्यों करने की, मंदिर में ही सेवा क्यों करने की, मस्जिद क्या खोटी है? क्या मस्जिद में कृष्ण है नहीं? जो कण कण में व्याप्त है वो क्या मस्जिद में व्याप्त नहीं है? वो क्या चर्च में व्याप्त नहीं है? वो क्या हाजी मलंग में नहीं है? ये तो बड़े पवित्र स्थल हैं। यासु भी फंडामेंटल क्वेश्चन है, वो क्या संडास में नहीं है? जो सर्वव्यापी है वो तो सर्वव्यापी है, फिर वहां क्यों नहीं सेवा कर रहे हो? क्योंकि वो सर्वव्यापी है वहां को एक पहलू है, और अपन सर्वव्यापी नहीं है,
और अपन बाकी सर्वव्यापिता को समझ सके हैं, सर्वव्यापिता को अपन बरत नहीं सके हैं। जब अपन सर्वव्यापिता को बरत नहीं पा रहे हैं, सर्वव्यापिता के साथ अपन बोल नहीं पा रहे हैं, ख्याल ना दयाराम भाई ने वो मैंने ढोल बनाई ना, वहां में दयाराम भाई ने बहुत अच्छा कहा कि प्रकट मले सुख थाए, गिरिधर प्रकट मले सुख थाए, तो हमें कहें कि व्यापक थी वातो नव थाए ते विना जीव अकलाए। तो व्यापक थी वातो नव थाए, व्यापक से कौन से दिशा में मोह रख के बात करोगे? पूरब में रख के बात करोगे तो कहेगा हट मेरो पश्चिम में मैं हूं, पश्चिम में मुड़ के बात करोगे तो कहेगा हट दक्षिण में मैं हूं, चक्कर मारते मारते बात करोगे नीचे मैं हूं, चक्कर क्या मार रहे हो, नीचे देखने जाओगे तो कहेगा हट ऊपर भी मैं ही हूं, कहां बात कर रहे हो नीचे देख के। व्यापक सु बात कौन से दिशा में मुंह रख के कहनी, व्यापक थी वातो नव थाए ते विना जीव अकड़ाए, प्रकट मले सुख थाए, श्री गिरधर प्रकट मले सुख थाए। तो व्यापक के साथ अपन तो कोई जात को व्यवहार कर नहीं सकेंगे ना, सेवा को, सेवा को व्यवहार व्यापक ब्रह्म के साथ नहीं होएगा, व्यापक ब्रह्म में सेवा को व्यवहार कृष्ण के साथ होएगा। बात ध्यान समझो, अक्षर और पर की जो बात यहां प्रस्तुत करनी पड़ी वो यही लिए प्रस्तुत करनी पड़ी कि व्यापक जो अक्षर ब्रह्म है वहां में कृष्ण की सेवा करनी है, व्यापक अक्षर ब्रह्म की सेवा नहीं करनी है। यदि व्यापक अक्षर ब्रह्म की सेवा करनी है तो सारे जो विभाजन के रेखा हैं उन सबको आपको भूसनी पड़ेगी, मिटानी पड़ेगी। और वहां मिटाने के बाद तो ना आप हवेली को आग्रह रख पाओगे, ना आप ऐसे मंदिर को आग्रह रख पाओगे, वो व्यापक में तो हर चीज बराबर है। जैसे संडास और मंदिर में कोई भेद नहीं है, शराब में और प्रसाद घर में कोई भेद नहीं है, बार में, क्योंकि व्यापक में तो सभी जगह सब चीज व्याप्त है। तो आप वहां व्यापकता को बरत पाओगे अपने जीवन में, वह व्यापकता को बरत पाओगे? जैसे गाय में भगवान अपन देखें, सर्वदेव निवास गाय में देखें, सुअर में देख पाओगे? यदि व्यापक की अनुभूति हो रही है तो गीता स्पष्ट कह रही है शुनिचैव स्वपाकेच पंडिता समदर्शिना, सुअर में कुत्ता में सब में आपको परब्रह्म देखने की सिफत खिलानी पड़ेगी। वो खिलाने के बाद न कोई सेवी रह जाएगा, न कोई सेवक रह जाएगा, न कोई सेवा रह जाएगी। ये सारो द्वैत जो है सेव्य सेवक सेवा को स्विच ऑफ हो जाएगा। तो सेवा रूपी व्यवहार यदि कोई सेव्य के साथ निभानो है तो व्यापक में आप कृष्ण के साथ सेवा, कृष्ण व्यापक परब्रह्म में कृष्ण को सेव्य बना के वाके अंश रूप जीवसु आप सेवक बन के सेवा रूपी संबंध निभा पाओगे। पर व्यापक के साथ आप सेवा निभाना चाहोगे तो आपके लोग जैसे कबीर हंसे कि पानी बिच मीन प्यासी मोय सुन सुन आवे हंसी, पानी में जल प्यासी मच्छी प्यासी कैसे रह गई, हंसने लायक बात है। ब्रह्म तो व्यापक है, वह ब्रह्म व्यापक में तेरे को ब्रह्म की जिज्ञासा क्यों भाई, कबीर कहे ब्रह्म को पानी की इच्छा क्यों भाई, तो को पानी में रहने वाली मछली यो कह बड़ी प्यासी हूं मुझको पानी चाहिए, तो तू समझी कि नहीं समझी कि क्या है पानी तत्व, कि कुछ और ही चीज को चाह रही है। ऐसी प्रश्न पैदा हो जाएगा, पानी बिच मीन प्यासी मैं सुन सुन आवे हंसी कबीर के, वो स्थिति जो है वो व्यापक की सेवा हो नहीं सकेगी, व्यापक सेव्य हो नहीं सकेगो, व्यापक सेवक नहीं हो सकेगो। ये बात महाप्रभु ने बहुत सुंदर सुबोधनी में खुलासा की है, अपरिमिता ध्रुवास तनुभृतो यदि सर्वगता तर ही न शास्यते इति नियमो ध्रुव नेतर था। यदि जीव की व्यापकता को अनुभूत करनी है तो फिर सेवा की कोई जरूरत ही नहीं है, फिर तो सब एकाकार हो गया। व्यापकता नहीं अनुभूत करनी है तब सेवा है। यही लिए शास्त्र में एक देखो बहुत सुंदर बात समझाई कि बरसात पड़े बाढ़ आ जाए गांव में चारों ओर पानी भर गयो, वाके बाद कोई भी चीज छुए नहीं, न गटर को पानी छुए न कुआ को पानी अपरस में न गटर को पानी छुए लो, क्योंकि बाढ़ आ गई। बाढ़ आने का मतलब क्या कि गटर कुआ में घुस गई और कुआ गटर में घुस गयो, बाढ़ आ गई वाके बाद सब शुद्ध है। बरसात का पानी सब तरह शुद्ध है क्योंकि सारी जगह बरस रहे हो, वहां में छुए को और अपरस को भेद बरसात के पानी में नहीं है। आपने लोटी से पानी ढोलो और आप अपरस में नहीं हो और अपरस में जो नहायो भयो नहीं है वाने वा पानी पे पैर धर दियो तो फिर आप वह पानी को नहीं छू सको क्योंकि पानी छू गयो। क्यों छू गयो?
क्योंकि आपने जो पानी ढोलियो है वो व्यापक पानी नहीं ढोलियो है, भूले चुके आप व्यापक पानी ढोल दो तो पानी छूनो बंद हो जाए, क्योंकि छुआछूत के भेद, ग्राह्य त्याज्य के भेद, ऐसो सुंदर असुंदर के भेद, पाप पुण्य के भेद सब अव्यापक में है, व्यापक में ही कोई भेद ही नहीं है। यही तरह से सेव्य सेवक के भेद ये व्यापक में नहीं है, अव्यापक में है। तो आपको अपना सेव्य अव्यापक मानना पड़ेगा, अव्यापक मानोगे तो वो सेव्य बनेगा, अव्यापक मानोगे तो आप सेवक बनोगे, यदि वो भी व्यापक आप भी व्यापक फिर क्या सेवक और क्या सेव्य और क्या सेवा, समझे ही नहीं कछु भी। तो भगवान तो बधाना ने बधाना, जब बधाना भगवान तो यार तने केम सेवा करवानी इच्छा था भाई, जावा जे नहीं बधाज करी रहा छे सेवा, ऐसे लफड़ा है। महाप्रभु जी की समझ अपने को है नहीं, और जो महाप्रभु जी समझ रहे हैं कि तुम ये समझोगे वो अपन समझ नहीं चाह रहे, पाछी कुछ भलती बात समझ रहे हैं। तो वो बात महाप्रभु जी जिनके बता दे रहे हैं तुमको यहां कि दूसरे लोग कैसे समझ रहे हैं या बात को, अपरम तत्र पूर्वस्मिन् वादिनो बहुधा जगु माईकम सगुणम कार्यम स्वतंत्रम चेति नैकधा तदेवै तत्प्रकारेण भवति इति श्रुतेर्मतम। ये जो एकम तस्माद् विलक्षणम है, माने नाम रूप कर्म विहीन व्यापक अक्षर ब्रह्म जो है, वा में नाम रूप कर्मात्मक जो अक्षर ब्रह्म बन्यो है, वह अक्षर को लोग कई तरह से व्याख्या करे हैं। कोई कहे कि ये नाम रूप कर्म जो है वो माइक है, कोई कहे कि नाम रूप कर्म जो है वो प्रकृति को कार्य है, कोई कहे कि नाम रूप का कर्म जो है वो पैदा भय पहले हते ही नहीं, कोई कहे कि नाम रूप कर्म को भगवान के साथ कोई संबंध नहीं है, ये तो अनादिकाल से चले आ, तो नाम रूप में सु एक नाम में से दूसरो नाम पैदा हुए, एक रूप में से दूसरो रूप पैदा हुए, एक कर्म में से दूसरो कर्म पैदा हुए, जैसे हर एक्शन को कोई एक रिएक्शन पैदा हो जाए, हर रूप में से हर वृक्ष में से एक आम पैदा हो जाए, हर आम की गुठली में से एक वृक्ष पैदा हो जाए, हर नाम में से एक दूसरो नाम पैदा हो जाए। तो या तरह से ये नाम रूप को एक स्वतंत्र संतति चल रही है नाम रूप कर्म की, कुछ लोग ऐसे माने हैं, ऐसे कई तरह के मत हैं। उन सब मतन के चक्कर में फंसोगे तो कृष्ण सेवा करने की कोई आवश्यकता है ही नहीं। यदि आपने नाम रूप कर्म को माइक मान्यो, यदि नाम रूप कर्म को आपने प्राकृतिक मान्यो, यदि नाम रूप कर्म को आपने अनित्य मान्यो, मने या तरह के सुख पहले नहीं है तो और बाद में पैदा भयो, मने वाक अक्षर रूपता आपने नहीं मानी नाम रूप कर्म की, और यदि आपने नाम रूप कर्म को स्वतंत्र मान्यो कि अक्षर एक अलग कंपार्टमेंट है और नाम रूप कर्म को एक अलग कंपार्टमेंट है जो एक नाम से दूसरो नाम, एक रूप से दूसरो रूप, एक कर्म से दूसरो कर्म सतत पैदा होते ही चले आ रहे हो नदी की तरह, तो बस बात समझ जाओ कि फिर न सेव्य की आवश्यकता है न सेवक की आवश्यकता है। क्योंकि जब भी आपको सेव्य मिलेगो कोई न कोई नाम रूप कर्मात्मक मिलेगो, जो भी आप सेवक होगे कोई न कोई नाम रूप कर्मात्मक सेवक होगे, और वो यदि माइक है तो कैंसल, वो यदि प्राकृतिक है तो कैंसल, वो यदि ऐसा सर्वथा नश्वर ही है वाको कोई अनश्वर पहलू नहीं है, अक्षरात्मक वाको कोई आशा नहीं है तो सेवा कैंसल, और वो स्वतंत्र ही है जाको ईश्वर के साथ कोई संबंध ही नहीं है, ये तो अपनी खुशी ना आए ना अपनी खुशी चले, लाई हयात आई कजा ले चली चले, अपनी खुशी ना आए ना अपनी खुशी चले, ऐसे जो नाम रूप आ रहे हैं और जा रहे हैं तो फिर सेवा की क्या आवश्यकता है। क्योंकि जास की आप जाकू आप सेवा के द्वारा सेवे बना रहे हो, वो न अपनी खुशी से आ रहे हो न अपनी खुशी से जा रहे हो, और न आप अपनी खुशी से आ रहे हो न अपनी खुशी से जा रहे हो, फिर व्यर्थ में सेवा की इल्लत और क्यों पाल रहे हो। यदि कोई की खुशी के लिए आप आ रहे हो, कोई की खुशी के लिए आप जी रहे हो, आनंदाद्येव कल्भिमानी भूतानि जायन्ते आनंदेन जातानि जीवन्ति आनंदम प्रयन्ति अभिसंविशन्ति, तो श्रुति के तद्विजिज्ञासस्व तद् ब्रह्म। यदि आनंद से पैदा नहीं हो रहे हो, आनंद में जीवित नहीं हो, आनंद में लीन नहीं होने वाली है, तो अपने आप कुछ आ रहे हो, अपने आप कहीं जा रहे हो, अपने आप कुछ टिक रहे हो, कुछ खत्म हो रहे हो, फिर वहां में व्यर्थ में कोई काय की सेवा क्यों करे। शंकरन ने एक बहुत मजेदार श्लोक है, लिख लोगे तो भी काम आएगा और याद रखोगे तो भी काम आएगा, तो उभावप्यश्रुतक ग्रंथ हो उभावपी जड़ात्मक हो, दोनों में से कोई ने ग्रंथ पढ़े नहीं,
उभाव अपि जड़ात्मक, दोनों ही भैंस के अवतार हैं। उभाव अप्यश्रुत ग्रंथ उभाव अपि जड़ात्मक, अहो मोहस्य महात्म्यम तत्रैक शिष्यतांगत। ये मोह को महात्म्य देखो कि इन दोनों ही ग्रंथ नहीं पढ़े, दोनों ही परम भैंस के अवतार हैं, पर वहां में एक गुरु है और एक चेला है। ये क्या वंडर है, ये वर्ल्ड को सबसे बिगेस्ट वंडर है कि दोनों मूर्ख, दोनों भैंस के अवतार, दोनों कुछ जाने नहीं, फिर भी एक गुरु है और एक चेला है, एक बालक है, एक भगवदी है। श्रुत ग्रंथ उभाव भी जड़ात्मक हो, अहो मोहस्य महात्म्यम तत्रैक शिष्यतांगत। बहुत सुंदर श्लोक है अद्वैत इनको। तो ये जो महात्म्य कैसे जात को महात्म्य कुछ पता ही नहीं चले, तो ये बात समझो कि ऐसे नहीं चलेगी बात। सेवा यदि करनी है तो दोनों को आनंदात्मक होना पड़ेगा। आनंदाध्येव कल विमानी भूतानि जायन्ते, आनंदे न जाता नहीं जीवंती, पहुंचेंगे भी आनंद में, आनंद सु आए हैं, आनंद में स्थिर हो रहे हैं, आनंद में लीन होंगे। तो महाप्रभु जी का सेवा करने, भाई सेवा क्यों नहीं करे, अब सेवा करने में क्या तकलीफ है, सेवा करने में जो भी कुछ तकलीफ होती वो संसार की तो तकलीफ होती ना। पर यदि तू कन्विंस्ड है कि आनंद सु आए हो, आनंद में स्थित हो, आनंद में लीन होने वाले हो, अब तकलीफ क्या है सेवा करने में, अब तो भक्ति पंचम पुरुषार्थ हो गए हो, क्योंकि भक्ति या के अलावा तो और कोई बात कह नहीं रही, आनंद की तो बात कह रही है। आनंदात्मिका ही सेवा करना भक्ति है, आनंदात्मिका सेवा नहीं कर रहे हो, कर्मात्मिका सेवा कर रहे हो, कामात्मिका सेवा कर रहे हो, दुखात्मिका सेवा कर रहे हो, हाय हाय कर रहे हो, तो सेवा ही नहीं है वो, तो फिर तो कोई कष्ट हो गया, नरक यातना हो गई। तो या बात को ध्यान से समझो, या लिए महाप्रभु जी ने अपना फाइनल जजमेंट कितना खूबसूरत दियो है, तदे वही तत् प्रकारेण भवतीति श्रुतेर मतम। वो लोग क्या कह रहे हैं उनको उनकी बात कहने दो। सेवा संबंध स्थापित करने के लिए सेव्य के साथ तुमको ये समझना बहुत 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 जरूरी है कि तदेव एतत् प्रकारेण भवति। तदेव अक्षर ब्रह्म इव एतत् प्रकारेण, यदि कोई माया कह रहे हो है तो मायिक भी कोई चीज है दुनिया में, तो अक्षर ब्रह्म बने हैं। यदि कोई वाकु प्रकृति कह रहे हो है तो प्रकृति कोई पदार्थ है तो वो अक्षर ब्रह्म बने हैं। यदि कोई कह रहे हो कि ये नाम रूप कर्म पैदा हो रहे हैं और खत्म हो रहे हैं, तो पैदा होने वाली और खत्म होने वाली चीज यदि कोई चीज बनी है तो अक्षर ब्रह्म बने हैं। यदि तुमको लग रहे हो कि बिना कोई कंट्रोल के अपने आप ये एक में से दूसरा पैदा हो रहे हो, बीज में से पेड़ और पेड़ में से बीज, को एक स्वतंत्र प्रवाह चल रहे हो, तो ये स्वतंत्र प्रवाह भी वो स्वतंत्र प्रवाह रूप भी वो बन्यो हैं। तदेव एतत् प्रकारेण भवति इति श्रुतेर मतम। इनमें घबराओ मत, वो जो भी कुछ कहते हों उनकी बात को सुन लो, पर सुन के घबराओ मत। मन में ये बात निश्चित समझो कि कोई माया की बिगुल बजा रहे हो तो बजाने दो माया को बिगुल। तुम मन में ये बात को हर वक्त साफ ध्यान में रखो कि माया के कारण कोई यदि माइक है तो वो माया खुद नहीं है, अक्षर ब्रह्म माहिक बन्यो है। प्रकृति के कारण कोई वस्तु प्राकृतिक है तो वो प्रकृति मूल तत्व नहीं है, अक्षर ब्रह्म प्रकृति रूप से बन्यो है। ये बात तुमने साफ समझ ली। प्रकृति यानी मैटर, जड़ मैटर को प्रकृति कहे। तदेव एतत् प्रकारेण भवति इति श्रुतेर मतम। या बात को समझाने के लिए अब जब ये अपने सामने बात साफ हो गई कि दूसरे कोई की समझ सु अपनी समझ अपन करप्ट नहीं हो सके, ये जैसे कंप्यूटर में वो वायरस डिटेक्शन फाइल हो है कि नहीं, और वो वायरस रिमूवल कर दें कि नहीं, ऐसे ये सारे वायरस जो है वो महाप्रभु जी ने अपने या प्रोग्राम में सु रिमूव कर दिए। अब जो बची है वह हमें क्या करना है, वह को अब प्रोग्राम की फाइल खोल रहे हैं महाप्रभु जी के। द्विरूपम चापि गंगावत ज्ञेयम सा जलरूपिणी महात्म्य संयुता नृणाम सेवताम भुक्ति मुक्तिदा। वह मैं ध्यान से देखो शीर्षक पे पहले कि भक्ता दृष्टव्यम परम, भक्ति सु दिखलाई दे तो पर ब्रह्म है। श्रुति इत्यादि विहित श्रवणाद्युपाय ज्ञेयम बृहत, और श्रुति विहित श्रुत्यादि शास्त्रन के द्वारा विहित जो श्रवणादि के जो उपाय हैं, उन उपायों से जो बात अपने को समझ में आ रही है वो समझ में आती बात जो है वो अक्षर ब्रह्म है। और भजनोपयिक अखिल सामग्री, और भजन के में उपयोग में आने वाली अखिल सामग्री
ब्रह्मात्मिका ही है, गैर ब्रह्मात्मिका नहीं है, ये सारी बात तुम समझ सकोगे। माने दूसरे जो ये वायरस है मतन के, वो तुम्हारी फाइल को करप्ट नहीं करते हो, सेवा की फाइल को, तो तुमको अब ये बात समझ में आएगी कि जो भक्ति से दिखलाई दे रहे है वो ब्रह्म पर ब्रह्म है। शास्त्र के विहित जो श्रवणादि उपाय हैं उनसे समझ में आ तो दिखलाई दे तो नहीं, क्योंकि बात ध्यान से समझो कि दिखलाई देने के लिए स्नेह की जरूरत है, समझ में आने के लिए स्नेह की जरूरत नहीं है, खोपड़ी में अक्कल की जरूरत है। और वो अक्कल कौन सी, जो शास्त्र अपने को जैसी अक्कल दे रहे हो वह हिसाब से समझोगे तो वो बात समझ में आएगी। तो श्रुत्यादि विहित श्रवणादि उपाय ज्ञेयम बृहत, श्रुत्यादि विहित जो श्रवणादि उपाय हैं, आत्मावारे द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य निधिध्यासितव्य या श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवने, इन सारे विहित उपायंसु जो बात समझ में आ सके है वो बात दिखलाई नहीं देगी, क्योंकि अक्षर कहां दिखलाई देगो, अक्षर कहां दिखलाई देगो, अक्षर जो सबको आधार है वो दिखलाई कहां से देगो। ये गालिब ने बहुत अच्छी बात कही कि उसे कौन देख सकता वो यगाना है कि यकता जो दुई की वो भी होती कहीं तो दुचार होता, वो एक है कैसो अकेलो है, यह बात को कौन देख सके, दिखलाई नहीं दे सके। कह क्यों दिखलाई नहीं दे, क्योंकि वो सामने होए, देखने वाले के सामने दिखने वालों होए तब तो कोई चीज दिखलाई दे, वो तो देखने वालों खुद ही है। तो देखने वालों जब खुद ही है तो जब देखने जा रहे हो तो कुछ दिखलाई कुछ दे ही नहीं रहे हो। जो दुई की बू भी होती, द्वैत की गंध भी होती, कहीं तो दुचार होता। खुद देखने वालों ही दिखने वालों है, दिखने वालों खुद देखने वालों है, तो जब दिखने वाले और देखने वाले में भेद नहीं है तब आपको देख कौन सके। तो अक्षर ब्रह्म तो वो अवस्था है अपनी कि जहां दिखने वालों और देखने वालों एक हो जा रहे हैं करके अक्षर ब्रह्म दिखलाई नहीं दे। पर ब्रह्म यदि स्नेह हो तो स्नेह की दृष्टि पाची ऐसी दृष्टि है कि जासू वो दिखलाई दे सके है, अक्षर ब्रह्म समझ में आ सके है, अक्षर ब्रह्म दिखलाई नहीं दे है। और परब्रह्म समझ में आना बहुत कठिन है और दिखलाई बराबर देगो, क्योंकि परब्रह्म को समझने में बहुत तकलीफ हो जाएंगी, क्योंकि अपन कह रहे हैं कि ये परब्रह्म है और अपने को दिखलाई दे रहे हो। अद्वैत इनको यही लिए बाकी परब्रह्मता ही नहीं लगे, क्योंकि दिखलाई दे रहे हो तो परब्रह्म कैसे उनको यहां लगे। यही तो बात है ना, क्योंकि भक्ति हो तो दिखलाई दे ना, भक्ति नहीं हो तो कैसे दिखलाई दे। तो दिखलाई देने के लिए भक्ति की जरूरत है, समझ में आने के लिए बुद्धि की जरूरत है। बुद्धि और स्नेह दोनों मिल जाए तो तुमको अक्षर ब्रह्म में परब्रह्म दिखलाई देने लग जाएगा।